क्या बांग्लादेश की टीम वो काम कर दिखाएगी न्यूजीलैंड में जाकर के जो शायद भारत के लिए सपना सा नजर आता है? जी हाँ, ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की टीम ऐसा लग रहा है कि अपने घर में खेल रही है और न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश में आकर खेल रही है, जबकि बे ओवल के मैदान पर न्यूजीलैंड अपने घर में खेल रहा है और हालत इतनी पतली हो गई न्यूजीलैंड की कि अब उनके ऊपर में हार का खतरा मंडराने लगा है। पहला टेस्ट मैच बे ओवल में खेला गया और पहली पारी में न्यूजीलैंड 328 पर सिमट गई, लेकिन उसके जवाब में 130 रनों की बढ़त बांग्लादेश ने हासिल की, 458 रन बनाया और उनके बल्लेबाजों ने जो परफॉर्मेंस किया वो कमाल का रहा। और 130 रनों की जब बढ़त उन्होंने हासिल कर ली पहली पारी के आधार पर, उसके बाद न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई और न्यूजीलैंड की हालत अब इतनी पतली हो गई है कि उन्होंने दूसरी पारी में भी अपने 5 विकेट गंवा दिए 147 रनों पर, मात्र 17 रनों की बढ़त उनके पास में है बांग्लादेश के खिलाफ में। वो तो शुक्र मनाई कि विल यंग जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज 69 रन बना गया, अदरवाइज ये टीम जो है पारी की हार का खतरा भी इसके ऊपर मंडरा सकता था। लेकिन कहना पड़ेगा कमाल की गेंदबाजी इबादत हुसैन ने की, जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं और तस्कीन अहमद ने भी 1 विकेट निकालकर उनका साथ दिया। इन दोनों पेसर्स ने जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम की पोल खोल कर रख दी है और अब ऐसा लग रहा है कि 5वें और आखिरी दिन जब टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है 70-80 की लीड लेते लेते ऑल आउट हो जाए और बांग्लादेश एक हिस्टोरिक टेस्ट विन जो है न्यूजीलैंड में करे और भारत को भी इंस्पायर करे कि आप भी आइए और न्यूजीलैंड को आप उनके घर में धो दीजिए। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा, 12 अंक अगर बांग्लादेश निकालता है तो फिर WTC के फाइनल में जाने की जो पोजीशन होगी न्यूजीलैंड की वो भी खत्म होती हुई नजर आ सकती है। आपको कैसी लगी खबर ये, बांग्लादेश के परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।